निकाय चुनाव के लिए दो चरणों में मतदान होना है। पहले चरण में लखनऊ समेत 9 मंडल के 37 जिलों में 4 मई को वोटिंग होगी और इसी चरण में नेपाल से सटे बहराइच में चुनाव होगा, जिसे लेकर बहराइच में सरगर्मी बढ़ गई है। मुस्लिम बहुल माने जाने वाले बहराइच जिले में 2 नगर पालिका और 6 नगर पंचायत हैं, जिनके सत्ता पर कब्जा जमाने के लिए भाजपा समेत दूसरे दलों ने बूथ स्तर तक घेराबंदी शुरू कर दी। यूपी की नेपाल से लगती सीमा पर स्थित बहराइच में शहर संग्राम के चुनावी बिगुल ने सियासत में तपिश बढ़ा दी है। बहराइच नगर निकाय की बात की जाए तो बहराइच में पहले चरण में चुनाव होंगे, जहां कुल 3,56,707 मतदाता हैं। बहराइच में 2 नगर पालिका और 6 नगर पंचायत की सीटें हैं, जिसमें 144 वार्ड हैं। चुनाव आयोग शांति व्यवस्था एवं पूरी सुरक्षा के बीच प्रदेश में निकाय चुनाव संपन्न कराने की तैयारी में जुट चुका है। फ्लाइंग स्क्वाड स्टैटिक मजिस्ट्रेट के माध्यम से चेकिंग किए जाने की व्यवस्था की गई है। किसी भी निर्वाचन को सुचितापूर्ण ढंग से संपादित कराने के लिए धन बल का प्रयोग ना हो, बाहुबल का प्रयोग ना हो और प्रलोभन की बात ना हो। बहराइच में निकाय चुनाव को लेकर इस बार मुद्दों की बात करें तो लोग सड़क, पानी और साफ सफाई को लेकर वोट देंगे और अपना अध्यक्ष चुनेंगे। बहराइच में जातीय समीकरण की बात की जाए तो 6 नगर पंचायतों में से 4 नगर पंचायतों में पिछड़ा वर्ग का दबदबा है। वहीं पयागपुर और कैसरगंज में सामान्य वर्ग के दावेदार अपनी किस्मत लिख सकते हैं, जिनके सत्ता में काबिज होने के लिए भाजपा, सपा और बसपा और कांग्रेस ने घेराबंदी शुरू कर दी है। हालांकि अब तक किसी भी पार्टी ने यहां अपने पत्ते नहीं खोले। कार्यकर्ता जो होता है वो पार्टी को खड़ा और बड़ा करता है, तो कार्यकर्ताओं के सम्मान में कार्यकर्ताओं के माध्यम से जमीन स्तर के जो कार्यकर्ता जीत सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी के नीतियों का जो समर्थित उम्मीदवार है, कोई बाहरी न हो, आवे बाहर न भाग जाए, हमें बाहरी से मतलब नहीं, जो हमारी पार्टी को खड़ा और बड़ा किया हो। बहराइच की दोनों नगर पालिकाओं में मुस्लिम प्रत्याशियों का दबदबा रहा है, हालांकि बाकी की चारों नगर पंचायतों में हिंदू मतदाता ज्यादा है, लिहाजा इन चारों नगर पंचायतों में भाजपा का पलड़ा भारी रहने की उम्मीद है। लेकिन लोगों का मूड सिर्फ विकास की ओर ही है। उम्मीद पे खरे नहीं उतरे हैं जो मौजूदा प्रत्याशी हैं, मौजूदा चेयरमैन हैं। अब की बार ऐसी सरकार चुनना चाहते हैं कि जो विकास करे और साफ सफाई की व्यवस्था करे। परवेज रिजवी, एबीपी गंगा, बहराइच। तो बहराइच में निकाय विजय का मुस्लिम मार्ग क्या है वो अब हम आपको बताते हैं। बहराइच में मुस्लिम आबादी 35-50% है, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। बहराइच नगर पालिका में पिछले 2 चुनाव में मुस्लिम उम्मीदवारों की जीत हुई है। नानपारा में 2013 में निर्दलीय अब्दुल वहीद जीते थे, 2017 में कांग्रेस के अब्दुल मोहित ने जीत दर्ज की और इस बार पिछड़ा वर्ग के लिए जो आरक्षित है नानपारा सीट, इस पर यहां पर जंग होनी है। बहराइच में आरक्षण का फॉर्मूला क्या है वो भी आपको हम बता देते हैं। बहराइच नगर पालिका सामान्य है, नानपारा नगर पालिका को ओबीसी के लिए आरक्षित किया गया है, वहीं रिसिया नगर पंचायत अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, जरवल नगर पंचायत को ओबीसी महिला के लिए आरक्षित किया गया है। वहीं अगर हम कैसरगंज की बात करें, कैसरगंज नगर पंचायत तो ये सामान्य सीट है, यहां पर कोई भी चुनाव लड़ सकता है। पयागपुर नगर पंचायत सामान्य सीट है, रुपेडीहा नगर पंचायत सामान्य है, मिहीपुरवा नगर पंचायत भी ओबीसी आरक्षण के दायरे में है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।